सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। IPL 2019 से पहले खिलाड़ियों की होने वाली नीलामी में अब एक महीने से भी कम समय बचा है, लेकिन इस IPL नीलामी में कुछ टीम्स ऐसी हैं जो बेहद कमजोर नजर आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे खिलाड़ी रिटेन किए हैं जो उन्हें बिल्कुल फायदा नहीं दे सकते हैं और कुछ ऐसे खिलाड़ियों को अपनी टीम से बाहर कर दिया है जो उन्हें फायदा पहुंचा सकते थे। तो दोस्तों, आज हम आपको उन्हीं तीन टीमों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस IPL 2019 ऑक्शन में बेहद कमजोर नजर आ रही है। नंबर वन, राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स ने इस बार सबसे बड़ी गलती बेन स्टॉक्स को रिटेन करके की है, क्योंकि बेन स्टॉक्स पूरा IPL नहीं खेलने वाले हैं, वो IPL बीच में ही छोड़ देंगे और उनको रिटेन करके राजस्थान रॉयल्स को कोई फायदा नहीं होने वाला है। बेन स्टॉक्स, स्टीव स्मिथ, जोस बटलर, ये तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जो राजस्थान रॉयल्स के धुरी माने जाते हैं और वो इस बार IPL 2019 में पूरा सीजन कम्प्लीट नहीं करने वाले हैं और यही राजस्थान रॉयल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को इस नीलामी में इन खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट भी ढूंढने होंगे। राजस्थान रॉयल्स की दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अजिंक्य रहाणे प्लेइंग 11 में तो खेल रहे हैं, लेकिन वो काफी लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं, इसलिए वो अपने फॉर्म में नहीं हैं और इस वजह से राजस्थान रॉयल्स को IPL में काफी ज्यादा परेशानी होने वाली है। राजस्थान रॉयल्स की तीसरी परेशानी ये है कि उनके पास अच्छे फील्ड गेंदबाजों की कमी है। राजस्थान रॉयल्स के पास धवल कुलकर्णी है, जिनके दम पर राजस्थान रॉयल्स IPL का कोई भी मैच नहीं जीत पाएगी। राजस्थान रॉयल्स के पास फिलहाल 20 करोड़ के आसपास का बजट है, जिसकी मदद से वो 9 खिलाड़ियों को खरीद सकते हैं। नंबर टू, किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब ने इस बार 11 खिलाड़ियों को रिलीज किया है, जो बेशक उनका सबसे गलत फैसला हो सकता है, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है जो उन्हें फायदा पहुंचा सकते थे, उन्हें अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकते थे। उनकी दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है कप्तानी की। फिलहाल किंग्स 11 पंजाब की कप्तानी आर अश्विन कर रहे हैं, उनके पास अश्विन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और ना ही उन्हें इन फ्यूचर मिलने वाला है। उनकी दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एंड्रयू टाय पूरा सीजन नहीं खेलने वाले हैं। एंड्रयू टाय किंग्स 11 पंजाब के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में और इन्हीं की वजह से किंग्स 11 पंजाब कोई भी मैच जीत सकती है, लेकिन वो भी पूरा सीजन नहीं खेलने वाले हैं। इनके अलावा क्रिस ग्लेन, करुण नायर और डेविड मिलर की फॉर्म भी किंग्स 11 पंजाब के लिए एक परेशानी का सबब बन रहा है। हालांकि दोस्तों, इनके पास लगभग 36 करोड़ का बजट है, जिससे ये और 15 खिलाड़ी खरीद सकते हैं। नीलामी के बाद अच्छे बेहतरीन खिलाड़ियों की टीम में शामिल होने के बाद ही किंग्स 11 पंजाब की स्थिति में थोड़ा सुधार हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि इनके अलावा और भी 7 टीम्स होंगी जो बेहतरीन खिलाड़ियों पर बोली लगाने वाली है, इसलिए किंग्स 11 पंजाब को बेहतरीन खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए बड़ी बड़ी बोलियां लगानी होंगी। आखिरी नाम जो इस लिस्ट में शामिल है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स का इस लिस्ट में शामिल होना बेहद ही चौंकाने वाला है, और वो इसलिए क्योंकि KKR की टीम में बेहतरीन बल्लेबाज तो शामिल है, लेकिन उनके पास तेज गेंदबाजों की कमी है और इसी वजह से KKR की टीम गड़बड़ा रही है। इन्होंने मिचेल जॉनसन, मिचेल स्टार्क और टॉम कुरैन को टीम से बाहर कर दिया है। अब उनके पास बचे हैं कमलेश नागरकोटी और शिवम मावी जैसे यंग टैलेंट मौजूद है और इन्हीं के दम पर KKR इस IPL में कुछ कर सकती है। इनके अलावा दिनेश कार्तिक, रॉबिन उथप्पा और क्रिस लैन फिलहाल इनकी फॉर्म की वजह से भी KKR को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फिलहाल ये तीनों ही खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, लेकिन इनके पास फिलहाल लगभग 15 करोड़ का बजट है, जिससे वो और 12 खिलाड़ी खरीद सकते हैं। अगर तीनों ही टीम्स की परेशानियों पर ध्यान दिया जाए तो KKR को ज्यादा परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम्स इस नीलामी में सॉल्व हो जाएगी और वो इस IPL में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगर आपको IPL 2019 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले चाहिए तो बने रहें हमारे साथ। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।